हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सर्वजीत एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन पर स्वागत है। आज मैं आपको क्रोशिए का नया पैटर्न बनाना बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दिखाई देगा, उसको प्रेस करने से आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं जो वीडियो बताने वाली हूँ उसमें मैं वूल यूज़ करूँगी और 14 नंबर का ये क्रोशिया है उसको यूज़ करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो स्केयर बनाना है हमने आज वूल का, जो सिंपल स्केयर पहले जो मैंने बताया है वो गोल शुरू करके फिर हम स्केयर करते हैं। आज जो हम शुरू करेंगे वो चेन बनाकर स्ट्रेट्स शुरू करेंगे। सबसे पहले हम चेन करेंगे। चेन के लिए हमें जितना स्क्वायर बनाना है उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी चेन बनानी होगी। इसको बनाने के लिए हम ये चेन शुरू करेंगे इस तरह से। टर्न लेने के बाद इस तरह से चेन बनाएंगे। वूल को खींचेंगे या टाइट नहीं करेंगे, इसको लूज ही रखेंगे। थोड़ी चेन और करेंगे, दो तीन इस तरह से बनाकर, फिर उसके बाद हम इस तरह से पहले चेन बनाते हैं, उसको दो चेन छोड़कर जो बैक साइड उसको पीछे की तरफ मोड़ेंगे, उसमें से ऐसे निकाल कर धागे को इस तरह से पकड़ लेंगे। ये दो चेन हो जाएंगी क्रोशिए में, फिर उसको हम इस तरह से एक बना लेंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में इसी तरह से बनाएंगे, इस तरह से। अब जितनी चेन पीछे बनाई है उसको हम इसी तरह से डबल कर देंगे। इस तरह से ये लाइन कंप्लीट करने के बाद इसको फिर हम बैक साइड से इस तरह से स्टार्ट करेंगे, घुमा लेंगे, एक चेन करेंगे। एक चेन करने के बाद जो अगली चेन है उसमें हम इस तरह से घुमाकर फिर आगे वाली चेन में इस तरह से बनाएंगे। और पूरी जितना हमने ये बनाया है, चेन बनाई है, उसी के ऊपर इस तरह से बनाते जाएंगे। इस तरह से हम ये बना सकते हैं। अगर दूसरा कलर यूज करना हो इसके साथ में तो हम दूसरा कलर भी बहुत इजीली शुरू कर सकते हैं। जैसे ये वाला, इसको पकड़कर और ये वाले को, ऐसे लेंगे, इसको टाइट कर देंगे। फिर बाद में थोड़ा सा एक चेन लेंगे इसकी, फिर स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हम कोई भी कलर अलग से इसमें ऐड कर सकते हैं, डिजाइन भी बना सकते हैं इसी तरह से। वो जो हमने स्टार्ट करा है यहाँ से, इसको टाइट करने के लिए ये दोनों
वूल को इधर से हम नॉट लगा देंगे इस तरह से। इसको काटेंगे नहीं, अगर आगे इसको डिजाइनिंग करनी है तो उसको काटेंगे नहीं, ये वाले पिंक कलर को, फिर आगे हम उसको घुमा के फिर यूज कर सकते हैं। अब इसको हम पूरा मैरून से बनाएंगे। इसी तरह कोई भी स्केयर में हम 3-4 कलर जो भी इच्छा हो आपकी यूज करने की तो उसमें हम बना सकते हैं। इसको हम इसी तरह से बुनकर पूरा स्केयर बना लेंगे, फिर चारों तरफ इसके कोई भी बारीक वाली लेस भी बना सकते हैं। आप इसको मैट की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसको जोड़ जोड़ कर ब्लैंकेट भी बना सकते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया स्केयर जो हमने बनाना। अगर स्केयर को नापना हो तो हम इस तरह से उसका ऑपोजिट जो कॉर्नर है उसको इस तरह से रख के, अगर तीनों कॉर्नर बराबर होंगे तो ये हमारा स्केयर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगा। तो फिर इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जिस कलर से हमने लेस बनानी हो उस कलर को छोड़ देंगे, दूसरे को काट देंगे, थोड़ा डिस्टेंस रख के ऐसा इतना छोड़ के फिर काटेंगे। अब हम पिंक कलर से इसको लेस बनाएंगे। यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करेंगे, तीन चेन करेंगे, फिर एक टर्न इसके ऊपर लेंगे और जहाँ से चेन शुरू करी है वहीं से हम एक आई बनाएंगे इस तरह से। ये बहुत ही सिंपल लेस है, कहीं भी हम बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। ये हमने चेन करी है पहले तीन, फिर दो आई बनाई है, फिर इसको हम जितनी इसकी लेंथ है इस तरह से नापकर दो तीन चेन छोड़कर आगे इसको इस तरह से बंद कर देंगे। इसी तरह से हम फिर चेन करेंगे तीन बार, फिर वैसे जैसे पहले लिए हैं दो आई बनाए हैं उसी तरह से फिर बनाएंगे इस तरह से, फिर आगे इस तरह से जोड़ देंगे। ऐसे ही हम पूरा जो पैटर्न है वो कंप्लीट करेंगे। फिर 1, 2, 3 चेन लेंगे इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से कॉर्नर पे भी हम इसी तरह से बनाएंगे। फिर 3 चेन करेंगे, आई बनाएंगे, फिर आगे वाले से जोड़ देंगे। इसी तरह से हम पूरा पैटर्न कंप्लीट करेंगे।
इस तरह से हम पूरा पैटर्न जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और एंड के लिए इस तरह से ये जो स्केयर है वो कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम कुछ भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।